बदमाशों ने घर से बुलाकर मारी गोली, बड़े भाई की मौत, छोटा भाई घायल। आपको हम बता दें, आजमगढ़ तनवा थाना क्षेत्र के बगरा उचौवा गांव में शनिवार की रात बदमाशों ने घर से बुलाकर युवक को दरवाजे पर गोली मार दी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और जबकि दूसरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए और घायल को जिला अस्पताल भेजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुर श्रीवास्तव। उनके पास कुछ नहीं सर, वो तो खुद पहले से जोड़ रखा है सर, वहाँ पर नहीं याद करते थे। अरविंद के बाप का नाम भोला, लालजी के बाप का नाम मोती। नाम है आपका? सचिन यादव सर। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम बगरा पोस्ट चौवा। अच्छा, क्या मामला है आज? मामला कुछ नहीं था सर, इससे पहले कोई उनसे विवाद नहीं था। इससे पहले हम लोग के ऊपर जान का खतरा था, जो कि हमारे पास दो लाइसेंसी हथियार थे, जो कि रिवॉल्वर और राइफल, तरवा थाना ने पहले से जब्त करके रखा था। और उसके बाद फिर इन लोग से कोई विवाद नहीं था, हम लोग पे आए दिन झगड़ा लड़ाई होता रहता था, लेकिन लाइसेंस को जब्त करके तरवा थाना रखा था। उसके बाद अचानक हम लोग जा रहे थे, वो लोग डायरेक्ट आके गोली मारे हैं सर, आगे से सामने से। अच्छा, आप लोग जा कहाँ रहे थे? और हम लोग आ रहे थे स्कूल से घर के लिए। हाँ। अपने स्कूल से घर के लिए आ रहे थे। हाँ। जी सर। तो कौन लोग मारे, आपने देखा खुद? हाँ, देखे सर, संचम यादव, अरविंद यादव, लालजी यादव, पंचम यादव। अच्छा, ये कितने गाड़ी से थे लोग? गाड़ी से नहीं सर, पैदल थे, पूरा के पीछे सब छुपे हुए थे सर। अच्छा जी सर, अचानक आगे से आए सर। अच्छा, इसमें गोली किसको किसको लगी है? एक हमको लगी पैर में और चार भाई को लगी सर। अच्छा, भाई की क्या स्थिति है? भाई सर नहीं है सर। कहाँ, कितनी गोली लगी होगी उनको? चार गोली सर, तीन गोली चार गोली लगी होगी सर। अच्छा, पुरानी कोई रंजिश बताई? कोई रंजिश नहीं सर, आए दिन खतरा होता रहता है, जो कि रिवॉल्वर था, लाइसेंसी राइफल था, जो तरवा थाना की पुलिस ने जब्त करके पहले से रख चुकी थी। अच्छा, क्या इसकी शिकायत आपने पहले कभी थाने पे की थी? बहुत बार किए थे सर, उसकी हमारे पास रिपोर्ट भी है। अच्छा। हम रिपोर्ट भी दिखा देंगे आपको, दो तीन रिपोर्ट तरवा थाने के खिलाफ हमने दे चुका है। हाँ। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ है उनसे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर सुनवाई हुई रहती तो ऐसी घटना नहीं होती है? लाइसेंसी हथियार, अगर हमारे पास हथियार रहा होता तो ऐसी घटना नहीं हुई होती सर। तो क्या लाइसेंस जिन्होंने हमला किया, क्या उन्हें पता था क्या कि आपके पास असलाह नहीं है? नहीं, उनको पता था पहले से, दुनिया को पता है कि नहीं, लाइसेंस जब्त करके तरवा थाना पहले से रख चुकी है। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं सर कि न्याय हो। मामला आया है, क्या प्रकरण है सर? पूरा लगभग एक घंटा पहले तरवा थाना अध्यक्ष को सूचना मिली कि बगरा गांव जो तरवा में पड़ता है, वहां एक व्यक्ति रविशेष यादव पुत्र शिवपूजन यादव और इनके भाई सचिन यादव पुत्र शिवपूजन यादव, इनको गोली लगी है। रविशेष यादव जिनको यहां जिला अस्पताल लाया गया, इनकी मृत्यु हो गई है। सचिन यादव, इनको पैर के अंगूठे में चोट लगी है। इनसे मेरे द्वारा बातचीत की गई है, इनके द्वारा बताया गया है कि इनके पड़ोसी पंचम यादव, संचम यादव, दो अन्य लोग जो पड़ोसी हैं, इनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। दो टीमें घटनास्थल पर रवाना है, घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है, फील्ड यूनिट वहाँ भेजी गई है। मृतक के पास से एक मैगजीन और कुछ राउंड बरामद हुए हैं। पूरी घटना के संबंध में गांव से जानकारी की जा रही है और डिटेल में जानकारी की जा रही है। जो जिनके ऊपर इनके द्वारा शक जाहिर किया गया, बताया गया कि घटना की गई है, उनकी गिरफ्तारी के लिए दो टीमें लगी हुई हैं। बहुत जल्दी सभी लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए पूरी घटना का अनावरण किया जाएगा। किस प्रकार से घटना घटित हुई, किन कारणों से हुई और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित। सर, अभी क्या मामला सामने आ रहा है? अभी पता चल रहा है कि जो इनके पड़ोसी हैं, इनसे कुछ वाद विवाद था। गांव में कुछ लोगों के द्वारा बताया गया है कि कुछ गाली गलौच हुई थी, उसी में फायरिंग हुई, जिसमें ये घटना घटित हुई है। और जो इन परिजनों के द्वारा बताया गया, मजरूब के द्वारा बताया गया, गाँव वालों के द्वारा बताया गया, उस सबको तस्दीक करते हुए, क्योंकि अभी जस्ट घटना हुई है, घटना जिनके हिसाब से 7:30 बजे की घटना है, सूचना पुलिस को लगभग मेरे ख्याल से 9:45-10 बजे के आसपास दी गई है, तो इसीलिए हम लोग सारे तथ्यों को वेरीफाई कर रहे हैं और FIR पंजीकृत करते हुए कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। ठीक।